सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य राज और आप देख रहे हैं हाईटेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप लोग भी करना चाहते हो अपने लैपटॉप की मदद से लाइव स्ट्रीमिंग, वो भी यूट्यूब के ऊपर? दोस्तों, आज के वीडियो जो है इसको पूरा जरूर से देखना। दोस्तों, एक समय तब भी था जब मैं भी अपने लैपटॉप की मदद से लाइव स्ट्रीम किया करता था, जिसमें कि दोस्तों सिर्फ i3 का प्रोसेसर और 4GB रैम था। लेकिन दोस्तों, उसके अंदर जो OBS, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आते हैं, OBS, स्ट्रीमलैब्स, ये सब उसमें चलते ही नहीं थे। लेकिन दोस्तों, अब मेरे पास एक ऐसा कंप्यूटर आ चुका है जिसमें कि अब मैं लाइव अच्छी तरीके से कर सकता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को भी ये चीज बताना चाहता हूं कि किस तरह से आप दोस्तों अपने लैपटॉप की मदद से, जो कि जो सस्ती लैपटॉप, जो कि मीडियम रेंज के जो लैपटॉप्स वगैरह आते हैं, उसको यूज करके आप कैसे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि मैं आज OBS को नहीं यूज करूंगा, बल्कि दोस्तों OBS जितना ही बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है, और वो भी बहुत ही ज्यादा लाइट वेट और काफी ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों, यहां पे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ YouTube पर ही नहीं बल्कि Instagram पर और Twitter पर, और यहाँ पे दोस्तों जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं जिसपे कि आप स्ट्रीम वगैरह कर सकते हो, उन सभी सॉफ्टवेयर में दोस्तों आप एक साथ ही लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। मतलब सिर्फ आप एक बार अपने स्क्रीन को ऑन कर दोगे, बल्कि होगा क्या कि हर एक जितने भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं YouTube टाइप के, उन सभी के अंदर आप एक साथ ही लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर सकते हो। और भी दोस्तों, इसमें काफी सारे कमाल के और अमेजिंग फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको फीचर्स नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सा वो आखिर सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर जो है ना दोस्तों ये फ्री है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका फुल ट्यूटोरियल देने वालों कि किस तरह से आप इसको यूज कर पाओगे। लेकिन आज के समय मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ओपन कर लेना है अपना क्रोम ब्राउजर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है प्रिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है प्रिज्म लाइव स्टूडियो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिज्म लाइव स्टूडियो हमने सर्च कर लिया है। अब इसको सर्च करने के बाद यहाँ पे प्रिज्म का ऑफिशियल जो स्टोर है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो कि है प्रिज्म लाइव, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। ये प्ले स्टोर वाला है, प्ले स्टोर वाला आपको नहीं ओपन करना है, ठीक है। अब तो आपको यहाँ पे ये वाला ओपन कर लेना है, prismlive.com बोला, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको हमें सिंपली क्लिक कर देना है, और इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें दोस्तों काफी सारे फीचर्स वगैरह आपको दिए जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको ब्यूटी मोड वगैरह, आप फेस कैम वगैरह अगर आप लगाते हो, और यहाँ पे दोस्तों आप अपना बैकग्राउंड जो है उसको भी आप रिमूव कर सकते हो बिना ग्रीन स्क्रीन के, ठीक है। और यहाँ पे आप मल्टीपल यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विच वगैरह, हर एक पे दोस्तों आप एक साथ ही लाइव स्ट्रीम वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें भी स्लाइड शो वगैरह जो भी मतलब आप यहाँ पे OBS वगैरह में देखते हो, वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप काफी अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेमोरी यूसेज जो लिखा हुआ है वो है 181 MB। अब ये मेमोरी यूसेज क्या चीज है, मेमोरी यूसेज मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है रैम, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों रैम जो यूज होगा वो है अप्रोक्सीमेटली 200 MB, जो कि बहुत ज्यादा कम है। तो आप जो भी लैपटॉप यूज करते हो उसमें होपफुली ये चली जाएगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों सिंपली करना क्या है, सबसे पहले आपको सिंपली इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे ऊपर एक डाउनलोड का बटन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले गाइस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये करीब करीब 200 MB का ये जो सॉफ्टवेयर है, तो इसको आपको सिंपली डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज करोगे, किस तरह से आपको यूज करना है, हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरह से आप लिंक कर सकते हो यूट्यूब वगैरह से। तो इन सभी वीडियोज को अगर आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी देर में यहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर वो यहाँ पे डाउनलोड होने वाला है। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फटाक से यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद गाइस आपको सिंपली इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे होपफुली ओपन हो जाना चाहिए। अगर ओपन नहीं होता है तो आपको इस एरो के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद आप वहाँ पे फोल्डर को भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपको सिंपली यस के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यस के बटन पर क्लिक करोगे, आपका जो इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, और आप इस वेबसाइट को बंद कर सकते हो, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपली दिस पीसी में चले जाना है, उसके बाद डाउनलोड्स के फोल्डर में भी आपको ये जो सॉफ्टवेयर ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आपको अगर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इंग्लिश ही रखेंगे, और यहाँ पे सिंपली हमें इंस्टॉल के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करोगे, आपका जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे बस स्टार्ट हो जाएगा।
और स्टार्ट होने के बाद दोस्तों इसका जो फर्स्ट इंटरफेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है हमारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो चुका है, बस हमें यहाँ पे स्टार्ट करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों जैसे ये स्टार्ट होगा आप यहाँ पे किसी चीज़ से आप लिंक वगैरह कर सकते हो या फिर यहाँ पे जिस पे भी आप यहाँ पे लिंक करना चाहो यहाँ पे आप कर सकते हो या फिर नया ईमेल भी या फिर साइनअप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली मैं अपने जो गूगल अकाउंट होता है उससे यहाँ पे मैं साइन इन कर लेता हूँ। सिंपली हमें गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गैस हमें सिंपली अपना जो जीमेल है उसको हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। और जीमेल क्लिक करते हैं यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे लॉग इन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ चुका है। अब गैस इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा आप सभी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों ये रहा हमारा मेन चीज, और यहाँ पे ये चीज जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपके जो भी चैट्स वगैरह होंगे वो यहाँ पे शो किए जाएंगे और यहाँ पे आप जो भी एडिट करना चाहो वो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। ये जो स्क्रीन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो भी आप लाइव वगैरह करोगे वो क्या चल रहा है आखिर हमारे लाइव के अंदर वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चैट्स को सेक्शन को अभी फिलहाल बंद करते हैं, इसको मैं करता हूँ फुल स्क्रीन। और फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप अपने सीन सेलेक्ट कर सकते हो, सोर्स ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे आपकी जो ऑडियो लेवल है वो सब आप यहाँ से मैनेज वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आपको ब्यूटी मोड वगैरह हर एक चीज आपको दिए गए हैं जिस चीज के बारे में हम किस आने वाले समय में दूसरे वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज के जो वीडियो थे पसंद है, तो इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि यूट्यूब रिलेटेड काफी सारे वीडियोस को देख पाओ। सो गाइस आज के समय इतना है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।